डोनेस्क में रूस का विध्वंसक हमला, चार इलाकों पर रूस ने कब्जा किया है, मोर्चे छोड़कर भागी है यूक्रेनी फोर्स, रूसी सेना का यूक्रेन से बदला शुरू। तो देखिए, डोनेस्क में रूस का एक बड़ा हमला हुआ है और यहां पर चार इलाकों पर रूस ने कब्जा किया है, मोर्चा छोड़कर यूक्रेनी फोर्स भागी है, कई मोर्चों से भाग गई है और ये रूसी सेना का यूक्रेन से बदला शुरू, ये आप कह सकते हैं। तो रूसी सेना का बदला शुरू हो चुका है। रूसी फौज आज आधी रात कीव समेत पूर्वी यूक्रेन को न सिर्फ जला सकती है बल्कि पूर्वी हिस्से पर कब्जा करने की भी तैयारी है। क्रेमलिन ने युद्ध को पूरी तरह से बदल देने वाला यह फैसला तब किया जब नेटो की मदद से यूक्रेन ने मॉस्को समेत रूस के 10 प्रांतों में अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया। यूक्रेन ने रूस के अंदर 200 से ज्यादा ड्रोन दागे और इसी के बाद रूस के 10 शहरों में विनाश की बहुत बड़ी आग भड़क गई। मॉस्को समेत रूस के 10 शहरों को यूक्रेन ने जिस तरह से जलाया है उससे युद्ध के मैदान में बहुत बड़ा जलजला आने जा रहा है। रूस के अंदर विनाश की जो आग भड़की है उसका भयावह परिणाम आधी रात को दिखने जा रहा है। पुतिन सेना ऐसा बदला लेने जा रही है जिसकी कल्पना ना तो ज़ेलेंस्की ने की है और ना ही बाइडेन ने। क्रेमलिन इस वक्त क्रोध से भरा हुआ है। पुतिन और उनकी सेना बदले की आग में जल रही है क्योंकि यूक्रेन ने रूस के अंदर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। यूक्रेनी फोर्स ने 4 घंटे के अंदर ही रूस के अंदर 200 से ज्यादा ड्रोन दाग दिए। और इसी के साथ रूस के 10 शहर विनाश की बड़ी आग में धधकने लगे। नेटो का साथ मिला तो उसके बाद यूक्रेन ने भी अपनी ड्रोन आर्मी की मदद से पूरे रूस में तबाही मचा दी है। यूक्रेन ने इस बार नए ड्रोन से हमले किए जिससे रूस का एयर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो गया। विनाश की सबसे बड़ी और भयानक आग रूस की राजधानी मॉस्को में भड़की। यूक्रेनी सेना ने सबसे विध्वंसक हमला मॉस्को में ही किया। रात के अंधेरे में ड्रोन की बरसात हुई और इसी के साथ रूस की राजधानी पूरी तरह से दहल गई। मॉस्को में कई जगहों पर धमाके हुए, धमाकों की वजह से इमारतों में आग लग गई। मॉस्को पर यूक्रेन ने 50 से ज्यादा ड्रोन दागे। रूस का दावा है कि उसने यूक्रेन के 14 ड्रोन को इंटरसेप्ट कर लिया लेकिन बाकी ड्रोन विस्फोट करने में सफल रहे। हमले की वजह से मॉस्को में 8 इमारतें बर्बाद हो गईं, एक महिला और एक बच्चे की जान चली गई। मॉस्को की 3 एयरपोर्ट के पास भी धमाके हुए। खतरे को देखते हुए तीनों एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया, सभी उड़ानें रोक दी गई। यूक्रेन का हमला इतना विध्वंसक था कि मॉस्को में आपातकाल लगाना पड़ा, शहर का ट्रैफिक रोक दिया गया। मॉस्को के जुकोवस्की एयरपोर्ट के पास 3 धमाके हुए। विस्फोट की वजह से एक इमारत में आग लग गई। जुकोवस्की एयरपोर्ट से क्रेमलिन की दूरी सिर्फ 35 किलोमीटर है। इसका मतलब ये हुआ कि यूक्रेन क्रेमलिन के बेहद करीब हमला करने में कामयाब हो गया। जिस वक्त मॉस्को दहल रहा था उसी वक्त यूक्रेन की ड्रोन सेना रूस के 9 और शहरों को जला रही थी। ब्रियांस्क में रात भर धमाके होते रहे। रूस का दावा है कि उसने ब्रियांस्क में 59 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया।
तुला में यूक्रेनी हमले की वजह से दो इमारतों को नुकसान पहुंचा है। रूस ने 3 ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। लिपित्स्क में रूस ने यूक्रेन के 2 ड्रोन हमले को नाकाम कर दिया। रूस का दावा है कि उसने कलुगा में यूक्रेन के 9 ड्रोन को मार गिराया, लेकिन 3 ड्रोन धमाका करने में सफल रहे। बेलगोरोद में यूक्रेन ने रूस के हथियार गोदाम को तबाह कर दिया। कुर्स्क में रूसी सेना के 2 ठिकानों को मलबे में बदल दिया गया। ओरियोल में यूक्रेनी हमले की वजह से 1 पावर स्टेशन में आग लग गई। रूस के वोरोनिश में 2 इमारतों को नुकसान पहुंचा है। क्रास्नोदर में भी यूक्रेन रूस के 1 हथियार डिपो को जलाने में सफल रहा। अब सवाल यही है कि आखिर रूस के 10 प्रांतों में यूक्रेन इतनी बड़ी तबाही मचाने में कैसे कामयाब हुआ? तो रूस के अंदर यूक्रेन का इतना बड़ा हमला कैसे सफल हुआ? दुनिया के सबसे घातक और खतरनाक माने जाने वाले रूस के एयर डिफेंस सिस्टम कैसे फेल हो गए, इसको लेकर 2 तरह के दावे किए जा रहे हैं। पहले दावे के मुताबिक यूक्रेन ने सबसे पहले ड्रोन दागे। रूस के अंदर 100 से ज्यादा डमी ड्रोन दागे गए। रूसी एयर डिफेंस डमी ड्रोन को तबाह करने में उलझ गए। ठीक उसी वक्त यूक्रेनी सेना ने असली हमला किया। यूक्रेन ने ल्यूटी ड्रोन से तबाही मचाई। यूक्रेन ने 200 ल्यूटी ड्रोन फायर किए। यूक्रेन के हमले को लेकर दूसरे दावे के मुताबिक नेटो ने रूस के रडार को जाम किया। रूस के एयर डिफेंस को हैक कर लिया गया। इसके बाद यूक्रेन ने करीब 200 ल्यूटी ड्रोन दागे। चूंकि रडार और एयर डिफेंस हैक थे, लिहाजा रूस ल्यूटी ड्रोन को तबाह नहीं कर पाया और इस तरह रूस के अंदर यूक्रेन अब तक का सबसे बड़ा हमला करने में कामयाब हो गया। ज्यादातर रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि यूक्रेन ने पहले डमी ड्रोन दागे, इससे रूसी एयर डिफेंस सिस्टम डमी ड्रोन को तबाह करने में उलझ गए। इसी दौरान यूक्रेन ने अपने नए और घातक ल्यूटी ड्रोन से हमला कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन ने 200 से ज्यादा ल्यूटी ड्रोन फायर की। यूक्रेन ने जिस ल्यूटी ड्रोन से अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, वो 1000 किलोमीटर दूर जाकर हमला करता है, यानी इसकी रेंज 1000 किलोमीटर है। ये अपने साथ 50 किलो का बारूद ले जाकर बहुत बड़ा धमाका करता है। जोरदार धमाके की वजह से ही मॉस्को में 8 इमारतें बर्बाद हो गईं। सवाल यही है कि इन हमलों के पीछे यूक्रेन की रणनीति क्या है? क्या ये हमले यूक्रेन में रूस को रोकने के लिए किए गए हैं, या फिर नाटो ने रूस पर दबाव बढ़ाने के लिए हमले करवाए हैं? वजह जो भी हो, लेकिन रूस के 10 प्रांतों में हमले के बाद पुतिन और उनकी सेना बौखला गई है। क्रेमलिन ने यूक्रेन के हमले के बाद ही प्रतिशोध का प्लान बना लिया है। इतना ही नहीं, यूक्रेन के पास रूस से बहुत बड़ी तैनाती कर दी है। क्रीमिया के साकी एयरबेस पर 32 SU-34 भेज दिए गए हैं। एंगल्स एयरबेस पर रूस ने 18 TU-95 बॉम्बर भेज दिए हैं। काला सागर में 4 नए युद्धपोत तैनात कर दिए गए हैं। माना जा रहा है कि रूसी सेना आधी रात को यूक्रेन से बदला लेने जा रही है। कीव समेत पूर्वी यूक्रेन पर बारूदी वज्रपात की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक इस बार विध्वंसक हमला कर रूसी सेना पूर्वी यूक्रेन पर कब्जा करना चाहती है। जाहिर है यूक्रेन की धरती पर विनाश की बहुत ही भयावह आग भड़क सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।